जेडीयू कार्यालय में कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और कई मामलों में दिलचस्प रहा। हालांकि 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे दिलचस्प वाक्या तब हुआ जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के तमाम काबिलियत और गुण मौजूद हैं, और इस पर मुहर भी लग गई। अब इसको लेकर बिहार की सियासी पारा जो है चढ़ गया है, क्योंकि सबसे पहले यह शिगुफा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा था। हालांकि इसके बाद नीतीश कुमार ने सफाई दी थी और कहा था कि उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कल जिस तरीके से राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस पर प्रस्ताव पास किया गया, मुहर लग गया, जिसके बाद अब स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू अब बीजेपी पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हालांकि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया कि हम पीएम पद की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, एनडीए के नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार में वो तमाम गुण और काबिलियत मौजूद हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आखिर यह प्रस्ताव पास क्यों किया गया। आपको बता दें कि जेडीयू के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जिनमें सीएम बनने के गुण मौजूद हैं, तो क्या कोई प्रस्ताव पास होगा? प्रस्ताव पास होने का मतलब ही होता है कि इशारों में बीजेपी को कह दिया गया है कि अगर आप अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो जेडीयू आरजेडी के साथ जा सकती है। आपको बता दें कि श्रवण कुमार जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनके गिरि जिला से हैं, स्वजातीय हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया था कि अगर बीजेपी अनावश्यक रूप से दबाव बनाती है तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है। उन्होंने ये जवाब आरजेडी के साथ जाने के सवाल पर कहा था। यानी आप साफ समझ सकते हैं कि जेडीयू अब बीजेपी को ये साफ साफ संदेश दे रही है कि अगर आप हम पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाएंगे तो हमें आरजेडी के साथ जाने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर रही है और ये कह रही है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारे दया भाव पर बने हैं। और इस वक्त परिस्थिति भी ऐसी है क्योंकि जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। लेकिन कल जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई तो जेडीयू ने एक जो है मास्टर स्ट्रोक खेला है, और जिस तरीके से ये प्रस्ताव पास किया गया उस पर मुहर लगी कि नीतीश कुमार में तमाम काबिलियत मौजूद है कि वो प्रधानमंत्री बन सके, बीजेपी पर अब दबाव बनना स्वाभाविक है। क्योंकि एक तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा बन चुके हैं, नीतीश कुमार भी इस वक्त भी मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और यही उसकी कमजोरी है, और इसी को लेकर जेडीयू अब कहीं ना कहीं उसकी कमजोर नस को दबाना चाहती है। हालांकि बता दें कि कल के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें अगला है जेडीयू के संविधान की धारा 28 में संशोधन किया गया है, जिसमें अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को चुन सकते हैं, उनका मनोनयन कर सकते हैं। मतलब साफ संदेश है कि उपेंद्र कुशवाहा उतने ताकतवर नहीं रहे, उनके ताकत को कम करने की कोशिश की गई है। अब ये पूरी ताकत जो है वो लल्लन सिंह के हाथ में आ गई है। हालांकि बता दें कि नीतीश कुमार संतुलन का खेल खेल रहे हैं, आरसीपी सिंह ज्यादा मजबूत न हो इसके लिए पैरेलली लल्लन सिंह को खड़ा किया गया है, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में शामिल करा करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करी है। तो दूसरा ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिस पर मुहर लगी। इसके अलावा जातीय जनगणना की हिमायत, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात को जोर शोर से उठाया गया कि जातीय जनगणना पूरे राष्ट्रहित में है, ये किसी खास जाति के लिए नहीं है, बल्कि अगर इसकी जनगणना करवाई जाती है तो इससे जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको फायदा होगा। यानी एक बार फिर से जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जातीय जनगणना के मसले पर जेडीयू लगातार हमलावर रहेगी, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है। इसके अलावा बता दें कि नीट में की गई आरक्षण व्यवस्था का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने मेडिकल परीक्षा में 27% का आरक्षण दिया था, जिसकी सराहना जो है वो कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में की गई। आपको पता होगा ये सब कुछ पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनाव की तैयारी को लेकर बाकायदा इस पर मुहर लगेगी, इस पर जोर शोर से तैयारी की जाएगी। हालांकि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका पहला जो विकल्प होगा वो चाहेंगे कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, लेकिन अगर बीजेपी तैयार नहीं होती है तो जेडीयू वहां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरसीपी सिंह के काम की प्रशंसा की गई है, जस्टिस रोहिणी आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक करें। आप बता दें कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिस रोहिणी आयोग की गठन की थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो ओबीसी हैं उनमें से कई जातियां जो हैं उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है, लेकिन कई ऐसी जातियां हैं जिनको फायदा नहीं मिल रहा, जिसके अनुसार से कुल ओबीसी में 2633 में से 1000 पिछड़ी जातियों को लाभ नहीं मिला। अब इस आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि 27% आरक्षण को जो पिछड़ी जातियों को मिला है उसको कुल 4 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें से 97 जो मजबूत जातियां हैं उनको 10%, 1674 को 2%,
इसके अलावा 534 जो जातियां हैं उनको 6% और 328 जातियां उनको 9% का आरक्षण मिलेगा। यानी साफ तौर पर कहा गया कि जो ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला है उसमें अलग अलग जातियों को ये देखा जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी किन किन जातियों ने ज्यादा फायदा उठाया है और कौन ऐसे पिछड़े जाति के लोग हैं जिनको फायदा नहीं मिला है, उसके अनुसार से उन तमाम लोगों को आरक्षण मुहैया कराया जाए। तो ये था कल जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है उसमें ये महत्वपूर्ण बातें। और सबसे दिलचस्प बात ये कि कल जब जेडीयू के इस प्रस्ताव पर मुहर लगी नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, उसके बाद जब नीतीश कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे तब जेडीयू कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि भारत का देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। यानी साफ तौर पे अब साफ हो गया है कि बीजेपी पर दबाव बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपना विकल्प खोल कर रखना चाहते हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर मौजूद हों। और ये हो ना हो, लेकिन एक बात साफ जेडीयू ने कर दिया है कि बीजेपी के दबाव में अब जेडीयू आने वाले नहीं है। तो कल जो कुछ भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुआ, जब जेडीयू कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता किस ओर जाता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन में, आपको तमाम खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।